सुबह से रामायण पढ़ते हैं, अभी रामायण श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक का समय ब्रह्मा भगवान राम और विष्णु है और शिवा सब देवता के साथ इधर प्रसन्न है, क्योंकि राज्याभिषेक के समय सब देवता लोग प्रसन्न है, क्योंकि रावण को मार डाला, इसलिए सबको खुशी है, इसलिए आता है। राज्याभिषेक हो गया है। अभी आपको भाई बहुत बाद में पहले जब आया है, बाद में आपको और अभी ऐसा अभिषेक 1314 अभिषेक हो गया है। हमारा मूल स्थान केरल में This is 1315. This one. वहाँ सौ वर्ष से आध्यात्मिक रामायण पढ़ते हैं। सौ वर्ष एक दिन की छुट्टी नहीं, ऐसा सौ वर्ष लगातार सुबह से लेके रात तक वहाँ क्या बहुत आदि लोग उसमें आता है। सब कुछ श्री गुरु संगीतात्मक रामायण पढ़ते हैं। इधर आपको इतना समझ में नहीं आता है, रामायण सब एक ही है। भावार्थ रामायण भी इधर होते हैं। लक्ष्मण शक्ति का दो दिन का इधर मेला है हर एक वर्ष में, जरा जरा करके सबका पास आ जाएगा, लेकिन अभी जरा शुरुआत है, बाद में सबको मिलेंगे। यात्रा भी है, ये समय आप लोग यदि हर एक हफ्ते में शनिवार का दिन इधर श्री राम का राज्याभिषेक होता है, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। अभी भावार्थ रामायण से उसके लिए अलग फेसबुक पेज है, श्री रामदास आश्रम महाराष्ट्र करके एक मराठी पेज भी है। तरह तरह करके आप लोगों को भी सब मालूम पड़ेगा। आप भी इधर आके भावार्थ रामायण और रामचंद्र मानस सब रामायण आदि के रामायण सब पढ़ने का है, अलग अलग फिल्म में होते हैं। इधर श्री कृष्ण का मंदिर है नीचे, वहाँ मराठी भागवत भी सप्ताह था, अभी मलयालम में है। हर एक भाषा का सप्ताह होते हैं, हर एक महीना में लास्ट जो हफ्ते होते हैं भागवत सप्ताह। इधर रामायण पाठ और नीचे शंकर भगवान का मंदिर है, वो तो रामेश्वर शिव का मंदिर है। ये जगदानी का देवी का मंदिर है, अय्यप्पा का मंदिर है। ऐसा इधर हर एक जिसको चाहिए दत्तात्रेय का मंदिर है, किसको भी आप चाहिए उसको मंदिर इधर है। देवी का है, शिव का है, सब जो पूजा करता है सब इधर। भी भाषा राम संप्रदाय कोई भी देवी देवता को पूजा करते हैं तो उसको इधर ये करते हैं। अभी इधर देखो नवग्रह है, नवग्रह ज्योति है और इधर वेद मंदिर है। वेद मंदिर हिंदू का ग्रंथ का नाम 90% हिंदू को मालूम नहीं, पूछते ही बोलेगा रामायण में कहा गीता है नरेश है सब बोलेगा, लेकिन हमारा ग्रंथ का नाम है वेद। अभी वेद मंदिर है, वहाँ चारों वेद को प्रतिष्ठा किया हुआ है। यह सब आप लोग उसके बारे में अभी जो कोविड का समय है, इसलिए मैंने मेरा बेटी को बोला फोटो मत सबका लेना नहीं है, क्योंकि कम हाथ में आना, क्योंकि हम लोग देखो ये पट्टी लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट है। एक ही है भगवान की आशीर्वाद, जब देखो आज बेचारेगा सब सब भाषा का उधर है। अभी सब बेचारे जो बैठा है वो लोग भी एक साथ अच्छा नहीं सकता, इसलिए अनुकूल है। इसके बाद है ना बहुत आदमी को आ सकता है, अर्चना कर सकता है, पूजा कर सकता है, एक ही समय इधर 5000 आदमी को बैठ सकता है। इधर नीचे सप्ताह के लिए अलग है और शिव मंदिर के उधर और उधर अलग है। ये सब जगह में आपको एक ही जगह पर। दूसरा एक भारत माता मंदिर, अभी आप लोग इधर आए हैं तो आज तुम्हारा माँ का और पिताजी का पाँव में नमस्कार किया था बेटा, क्या नहीं किया? क्योंकि हम लोग ये बताता नहीं है बेटा, तुम ऐसा करो सुबह उठ के नहा के धो के
माँ का नमस्कार करना, फिर पिता जी का नमस्कार करना, ऐसा हम लोग करने के बाद फिर फार माता का फार पहले अपना माँ को जय बोलो, पिता जी को जय बोलो, फिर फार माता का जय बोलो। इसलिए नीचे मैंने एक फार माता मंदिर बना कर रखा है, वहाँ आपको क्या करने का एक कोविड का एक झंझट के बाद हजन अपना मार्गदर्शन को लेके आना, नहाना नदी में नहाना, और उसी में माँ बाप बैठेंगे, बच्चा लोग आपके पिता जी का और माँ का पाँव में अभिषेक करेंगे, और उसके बाद फूल से अर्चना करेगा, माँ बाप को एक हार फरमान को डाला है ना, ऐसा हार डाल के करती याद की कर। हम लोग मरने के बाद पूजा करते हैं, लेकिन जिंदा है अभी भी पूजा करते हैं, तो मरने के बाद जरूर करेंगे। मरने के बाद तो मरता है हमारा पिताजी और माँ कितना कष्ट करके हमको बड़ा कर दिया है, इसलिए उनको ईश्वर बनने का ये हमको ये करता है। वो कैसा होता है, हम हिंदू लोगों को ईश्वर बनने का है, पत्थर को हम भगवान बनाते हैं, देखो राम सीता हनुमान जी हमारा गुरुदेव उनका गुरुदेव और महागणेश जी अय्यप्पा देवी दत्तात्रेय ये सब है ना, हम लोग मूर्ति पत्थर से लोखंड से और पिक्चर से बना के हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग नदी को पूजा करता है, वृक्ष को पूजा करता है, हवा को पूजा करता है, अब चंद्रमा को सूर्य को गण सबको पूजा करता है। इसलिए हम लोग हमारा माँ बाप को पूजा करने के लिए आप लोग मौका कर देना, अभी इसके बाद आप लोग आ जाना, हम आपको बता देंगे एक दिन के अंदर है ना, हम लोगों को सबको कर नहीं सकता। अभी इधर आज माँ बाप को जाके नमस्कार किया कितना है, वो हाथ उठाने का जरूरत नहीं, हमको मालूम है। सोने के पहले पिताजी और माँ सब मिलके भगवान को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो हम हिंदू लोग नहीं करेंगे, ईसाई करता है। और मुसलमान इसका जैसा 8 बरस का लड़का 5 से नमाज पढ़ता है, हम लोग करता है क्या, नहीं। और रमजान का दिन में वो पूरा एक महीना पानी भी लेता नहीं है, ऐसा पूजा करता है। हम लोगों को क्यों कर नहीं सकता है, हम भी करने का, हम एक दूसरे को इज्जत देना और उनको आदर देना, साथ रहना, ताकत से रहना, नहीं शादी किया माँ बाप को ऐसा छोड़ दिया दूसरा, ऐसा नहीं है। हम लोग हमारा घर में सब इकट्ठा होना, प्यार से रहना, बुढ़ापाव में माँ बाप को कह के किधर भी जाके रहना नहीं है। अभी कानून ऐसा लाया है, कोई ऐसा भेजते है तो कोर्ट में केस करते है तो उनको पकड़ के अंदर डालेगा, अंदर जेल के अंदर काम करते है तो वो पैसा माँ बाप को दे देगा, क्योंकि हर एक आदमी अभी तो जवान है, कुछ टाइम के बाद हमारा जैसा बूढ़ा हो जाएगा, तभी अरे यार जो झंझट है, अब बीमार है, वो काशी है, ये है वो है, इसलिए उनको देखे वृद्धाश्रम में फेंक देना नहीं है। हम हमारे माँ बाप को आदर करते हैं तो तुम लोग भी बड़ा हो जाएगा, तभी माँ बाप जाएंगे बूढ़ा बन गए, इसलिए सब लोग अपना माँ बाप को नमस्कार करेंगे, करेगा पक्का, जोर से बोलो करेगा पक्का, आज घर में जाके करने का। जो जिसको माँ बाप नहीं है ऐसा सोच लेना, मेरा माँ और पिताजी सामने खड़ा है, ऐसा जमीन पर हाथ रखे नमस्कार करना। माँ बाप को नमस्कार करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। हमारा माँ बाप बहुत से मामूली है, पड़ोसी जो एकदम बहुत बड़ा कलेक्टर है, नहीं तो मंत्री है, लेकिन हमारा माँ बाप को छोड़ के उसको बाप हम लोग नहीं करता है। हमारा माँ बाप के ऊपर हमको अभिमान होना, भक्ति होना से मंजूर है ना। फिर ऐसा है, हमारे बीच में कोई लड़की है, उसको शादी करने के लिए उधार नहीं लेना, जमीन सेल नहीं करना, हम लोग सब मिलके लड़की का शादी करना। हमने इधर देखो 113 हाँ 113 शादी करवाए। अगर हम तो साधु हैं, तो पहाड़ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, ये जंगल में बैठ के मुझे तो इतना कर सकते, तो हम लोग सब मिलते तो हजारों शादी कर सकता है। इसलिए
शादी किधर भी है कि लड़का लड़की को लेकर आते हैं, शादी नहीं होता है उसका माँ बाप होने का, उसके बारे में ये करने का करके नहीं तो शादी किया दूसरा दिन है तुम्हारा जाए वो ऐसा तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक लड़की को पालन पोषण करके बड़ा होने के लिए बहुत तकलीफ होता है, वो उसको कार चाहिए, सोना चाहिए, फलाना चाहिए, ये सब सबके पास नहीं है। इसीलिए कोई आके पूछते हैं तो माँ बाप बोलना हमारा लड़की को भेजने के लिए नहीं है, इज्जत से गड्डी बजाना घर से भी वो करने का, नहीं तो लड़की लोग बोलने का नमस्कार करके आगे ऐसा कोई जगह में लड़की को देखने को मत देना, आप ये बंद करके अपने घर में चले जाना, ये बोलने का लड़की को हिम्मत होना चाहिए। हम लड़की है क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक लड़के को कितना हिम्मत है ये लड़की को भी होना चाहिए। लड़की लोग पढ़ना चाहिए, पढ़ के एक लड़का जो जैसा है वैसा उसको ताकत होना चाहिए। अभी पेपर में देखो उसको ऐसा किया, उसको मुसलमान बनाया, उसको ऐसा दिखे गया, नथिंग डूइंग, ऐसा करने को नहीं देने का। इतना हिम्मत इतना ताकत हमारे पास होना चाहिए, इतना प्यार हमारे पास होना चाहिए, वो प्यार के लिए हम लोग माँ बाप को नमस्कार करना। ठीक, अभी मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है, अभी गुरु पूर्णिमा है इसलिए, लेकिन सबको बुला के आने के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये करते हैं। अच्छा लोग अभी ये सब बांध के बैठना तो सीख लिए, बाहर जाते हैं तो भी आप लोग ऐसा करने का, क्योंकि एक आदमी को बीमार होते ही तो किसको भी मदद कर नहीं सकता है, न बाप न माँ न बेटा न बेटी न उड़न न आदमी नहीं, अकेला बन जाता है। इसलिए सब लोग घर भी जाते तो हाथ भाव कपड़ा वगैरह धो लेना, और कहाँ भी जाते तो ये करना, मैं तो ये गेट के बाहर जाता है नहीं, सब बंद कर दिया, क्योंकि हम जाते हैं तो सब लोग नमस्कार करना, नमस्कार इसको भी दूर से करना, शेक हैंड नहीं करना, ये ऐसा पकड़ के ये नहीं करना, दूर से ऐसा नमस्कार कैसा करता है देखो, हाथ ताकत नहीं होना, ऐसा हाथ रखते ही तो आँख बंद हो जाएगा, फिर ये दोनों हमारा छाती में ऐसा रखते ही तो आँख पक्का बन जाएगा, निश्चिंत हो के बैठ सकता है। ऐसा नहीं ऐसा देना ऐसा नमस्कार करना नहीं, एकदम स्ट्रेट ऐसा भगवान को जो मन में देखते करते तो उसको फल होता है। ठीक, अभी आपको प्रसाद वगैरह देंगे, प्रसाद वगैरह लेने के बाद सबको ये गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद। आप कोई भी देवी देवता को पूछो, हमारा हिंदू में कमी नहीं है, हमारा माँ बाप ही देवी देवता है, इसलिए रोज सुबह उनको नमस्कार करना। अभी तुम लोग एग्री किया है, माँ बाप बेचारों को नमस्कार कर रहे हैं, हे हमको तकलीफ मत करो सोने का, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलते हैं तो हमको बोलना, हम आके कान पकड़ेगा, ठीक है ना। वो माँ बाप बड़ा गुस्से में मरते हैं तो क्या करने का, जाके पाँव पकड़ने का, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी एकदम गुस्सा में बैठे तो उसका स्विच है पाँव में, उस स्विच आप करते तो हाँ आगे ऐसा नहीं करने करके पकड़ेगा। इसलिए ये हमेशा रखना, सुबह उठ के नमस्कार करना। इसलिए माँ बाप भी वो लोगों को सिर में हाथ रखे, जीते रहो बेटा अच्छी तरह पढ़ो, ऐसा होना चाहिए। ठीक, सबको जय सीताराम। स्वस्ति प्रजा परिपालयन्त।
यही सीधा राम।